morning, kids. How are you? I hope all are safe and sound at home. So before starting the video, I want to make a request to all the parents. Please, MSc is also a subject. Moral science is also a subject. Don't take it as a subject, but take it as it's a moral education we are giving to your kids. So please ask your kids, whatever moral education, whatever small topic we are teaching, please ask them to study that. It will be helpful for their life. So that was a small request from my side. So let's get started with chapter number 6, The Gender Me, a short play. Duty is the moral responsibility of a person which he or she must have to perform towards his or her country. It is a task or action needed to be performed as a job by each and every citizens of the country. मतलब इसमें बोला है duty responsibility सिर्फ और सिर्फ politician या army या military वालों के लिए नहीं होती. It is the duty and responsibility of each and every person. हर किसी की duty होती है. हर किसी को, कोई भी सिटीजन हो, हम कितने प्राउड होने चाहिए हमारे इंडियन होने पे. सो परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स हिज और हर नेशन. सो एवरीवन, हर किसी को हर रूल फॉलो करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा रूल क्यों ना हो. चाहे वो रोड में लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, व्हेन यू आर गोइंग वॉकिंग, कौन सी डायरेक्शन में ओवरटेक करना है, ट्रैफिक रूल्स हो गए, या किसी भी वे में हमें रूल्स फॉलो करना है, हमें हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए. सो यही एक स्टोरी प्ले है, मतलब नाटक है. आगे हम पढ़ते हैं ऑफिसर और जेनमी के बीच में क्या क्या कदम बात होती है. सो दिस इज सीन नंबर 1. कर्टन राइजेस शोइंग अ बिग टेंट आउटसाइड अ टाउन इन फ्रांस. टू मेन इन यूनिफॉर्म आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द टेंट. वन ऑफ देम इज अ जेनमी गार्ड, मतलब गार्ड का नाम जेनमी है, एंड द अदर वन इज ऑफिसर. द टाइम इज 4:00 in the afternoon. So curtain hata, एक टेंट है, ठीक है. टेंट के आगे दो आदमी खड़े हैं, फ्रांस की बात है ये, और एक है गार्ड और एक है ऑफिसर. गार्ड का नाम जेनमी है. सो स्टोरी जो पूरी डिपेंडेंट है वो जेनमी के ऊपर डिपेंडेंट है. सो ऑफिसर, दिस टेंट हाउस इज रेडी फॉर आर एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट स्टैंड हियर. सो एक टेंट बना था, ऑफिसर बोलते हैं नेपोलियन, रिसर्च करना कौन थे नेपोलियन, ठीक है. तो जेनमी बोलता है ओके, वो बोल उसे बोल के जाते हैं तो आपको यहाँ खड़े होना है गार्ड को. तो जेनमी बोलता है ओके यस सर. ऑफिसर, कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच, कीप योर गन रेडी, एडमिट ओनली द एम्परर, नो वन एल्स, डू नॉट हेजिटेट टू शूट एनी पर्सन हु ट्राइज टू फोर्स एन एंट्री हियर. ऑफिसर बोलते हैं स्ट्रिक्ट वॉच मीन्स बहुत ध्यान से देख के रखना, ये भी देखना, गन रेडी रखना. अगर ये सिर्फ और सिर्फ टेंट किसके लिए, एम्परर के लिए, मतलब नेपोलियन के लिए. अगर कोई आया बिना हिचकिचाए, हेजिटेट मीन्स बिना हिचकिचाए गोली मार देना, और कोई भी फोर्स करे एंट्री के लिए. जेनमी, ऑल राइट सर, बट द एम्परर मे बी इन एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, सो हाउ शैल आई नो. सो आई हैव नेवर सीन हिम. जेनमी बोलता है ठीक है सर, मगर मैं एम्परर को पहचानूंगा कैसे, वो भी नेचुरल नॉर्मल क्लोथ्स में आएंगे तो मैं उन्हें कैसे, और मैंने कभी उन्हें देखा नहीं तो मैं पहचानूंगा कैसे. ऑफिसर बोलते हैं वेल, ही हैज़ अ स्पेशल पास, ठीक है, उनके पास एक स्पेशल पास है, ही विल शो यू, और आप उन्हें जाने देना. जेनमी बोलता है ओके थैंक यू सर, मैं कर दूंगा. जेनमी स्टैंड्स एट अटेंशन, ही सल्यूट्स द ऑफिसर, द ऑफिसर रिटर्न्स द सल्यूट एंड वॉक्स ऑफ. कर्टन बंद, फर्स्ट सीन खत्म. समझ आ गया सबको. अब हम सेकेंड सीन में जाते हैं. कर्टन राइजेस, नेपोलियन बोनापार्ट वॉक्स अप ऑन टू द गेट, ही इज इन ऑर्डिनरी. द टाइम इज 5:00 इन द इवनिंग, ठीक है, शाम के 5 बज रहे हो, और नेपोलियन अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स में आए और खड़े हुए हैं. जेनमी, स्टॉप,
Who comes here? So Napoleon stopping in front of the gendarme. Who are you to stop me? तो बोलता है, I am the guard here. Napoleon बोलता है, okay, I am Napoleon Bonaparte, the emperor of France. You fool, I am tired. I get into the tent at once. Come on, let me in. जेंडरमी बोलता है, show me your pass, please. मेरे को पहले पास दिखाओ, तभी मैं आने दूंगा. Napoleon इतना रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को अंदर जाने दो. तो Napoleon, I have lost my special pass. जेंडरमी, I like your story. Get away. मतलब हटो यहाँ से, गेट अवे फ्रॉम हेयर और आई विल शो यू. नेपोल देखो देखो यहाँ पर जेंडरमी उसको नेपोलियन को गन दिखा रहा है. नेपोलियन ट्राइज टू फोर्स, मतलब वो फोर्स करता है अंदर जाने की, मगर वो गन पॉइंट पे उसे रखता है. सडन क्लॉपिंग ऑफ, फिर उसके बाद देर इज अ सडन क्लॉपिंग ऑफ हॉर्सेस. क्लॉपिंग ऑफ हॉर्सेस मीन्स जब घोड़े दौड़ते हैं तो उस समय आवाज़ आते हैं, तो आवाज़ आती है, सॉरी फनी लगेगा. सो नेपोलियन सोल्जर्स कम अप ऑन देयर हॉर्सेस. अ कैप्टन रशेस अप टू द गेट. कैप्टन बोलता है, जेंडरमी पुट योर गन डाउन, डोंट यू नो एम्परर नेपोलियन. Here is a special pass. I found it on the way here. You shall suffer for your insult to our lord and master. Captain उसे डांटता है, पागल हो, जल्दी से गन नीचे करो, ये हमारे एम्परर है और आप क्या कर रहे हो, इनका स्पेशल पास रास्ते में मिले को मिला है, मैं उठा के लेकर आया और तुमने ऐसी बेइज्जती करी है मास्टर की, तुम्हें इसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा. So the gendarme put down his gun. After examining the pass, Napoleon and the man enters the tent. Curtain falls. अब आ जाते हैं सीन थ्री पे. Curtain rises. Napoleon Bonaparte is the military uniform. He's sitting on the chair in a large room. The time is 7 o'clock. The captain brings him the same some papers to sign. He gives Napoleon the first paper. Napoleon बोलता है, what is this paper, captain? Captain said, that paper dismissed the silly gendarme at the gate, sir. Napoleon, why? Captain, he stopped you from entering the tent. Sir, he raised his gun at you. Napoleon, that guard only did his duty, captain. मतलब Napoleon paper sign करने लगा था तो first paper होता है, तो first Napoleon पूछते है कौन सा paper है, तो captain बोलता है, ये paper sir gendarme को डिसमिस करने का पेपर है. तो बोलते हैं वाई, तो वो बोलते हैं, कैप्टन ही स्टॉप्ड यू फ्रॉम एंटरिंग द टेंट सर, ही कॉस्ट हिज ही रेस्ट हिज गन एट यू. सो और उसने अपने गन आपकी तरफ दिखाई थी, गोली चलाने वाला था. सो नेपोलियन सेड, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था. कैप्टन बोला, बट सर मगर वो आपको शूट कर देता. Napoleon, well, captain, he would have done the right thing. I did not have a special pass with me and I tried to force my way in. मतलब मैंने force किया अंदर जाने के लिए. So, captain say, you are the emperor of France, sir. आप emperor हो France के sir. Napoleon, how could the poor gendarme know that? उसने मेरे को कभी देखा नहीं है तो उसे कैसे पता होगा. सो एंड द एम्परर ऑफ द फ्रांस हैज़ नो राइट टू ब्रेक हिज ओन लॉज. मतलब जो उसने कानून बनाए हैं अगर वही तोड़ देगा तो सिंपल मैन कैसे रहेगा. सो कैप्टन बोलता है, ओ नोबल एंड ग्रेट रूलर. नेपोलियन टियरिंग अप द डिसमिसल ऑर्डर, Captain, I order you to raise the dutiful gendarme to the rank of the superior officer. So, Captain, long live the emperor. So, in this story, dekho, he was given a duty. He did that duty. Napoleon came. He was not able to recognize him. What the officer said, he followed that only. Officer ने बोला था, अगर कोई आए, अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, बिना hesitate करे, गोली मार दो. आए gendarme, Napoleon, उनके पास special pass नहीं था, तो उसने वही किया. तो इसके वजह से क्या हुआ?
कैप्टन आया उसके डिसमिसल के लिए, डिसमिसल मीन्स उसको निकालने के लिए पेपर लाया, मगर नेपोलियन ने उसे निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था, और जो वो ड्यूटी कर रहा था वो सही ड्यूटी कर रहा था। सो कर्टन उसके बाद बंद, तीन सीन्स हुए एंड इट्स ओवर। सो आई नो इट्स लिटिल बिट लेंदी, बट सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अभी आप देखिए, ये आपके एक्सरसाइज है, इसके आंसर्स आपको असाइनमेंट शीट में, इसके साथ ही असाइनमेंट होगा वेबसाइट में, आप वो देख लीजिएगा। असाइनमेंट वेबसाइट में असाइनमेंट भी डलती है और वीडियो क्लास वीडियोस भी डलते हैं। सो प्लीज़ दोनों चेक करिएगा। और इसके जो एक्सरसाइज है मैंने पहले ही बताया था, वर्ड मीनिंग ये देखिए चैप्टर्स के नीचे होता है, यहाँ पर ये नीचे होता है, ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करने हैं। तो मैं दोनों करके आपको असाइनमेंट में दे दूँगी। थैंक यू एंड डोंट मूव आउट ऑफ द होम अननेसेसरी, स्टे एट होम, दैट इज़ द कमांड ऑफ योर टीचर, रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू।